हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस विंग का प्लांट की पूरी केयर टिप्स बताऊंगा और इसके कुछ टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा और इसके बड़े बड़े फ्लावर्स आएंगे और बहुत ज़्यादा बुशीनेस भी आएगी इस प्लांट के अंदर। ऐसी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा और इसके अंदर मैं पूरी डिटेल वीडियो लाया हूँ इसके लिए, इसकी पूरी केयर टिप्स, जो जो भी इसके अंदर हमारे परेशानियाँ आती हैं उन सबका समाधान। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये विंग का प्लांट है, इसे सदाबहार प्लांट भी कहते हैं और ये गर्मियों का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट और इसके अंदर बहुत ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग होती है। ये इसकी देसी वैरायटी है, इसकी कई सारी हाइब्रिड वैरायटी भी आती हैं जिसके अंदर अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन आते हैं। और इसकी जो देसी वैरायटी होती है इसमें सिर्फ ये पिंक कलर और वाइट कलर आता है और जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं वो बुशी चलती हैं लेकिन ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, वो ड्रॉप वैरायटी रहती हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी और झाड़ियों की तरह हो जाती है। अगर बात करें इसकी सॉइल की तो इसके अंदर 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 40% रिवर सैंड, 20% पाउडर कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी सॉइल में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। अगर आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करना चाहते हैं, बिना फर्टिलाइज़र के भी ये बहुत अच्छा ग्रो कर लेता है। इसके अंदर ये सीड बनते हैं, इसकी प्रोपेगेशन इसके सीड से और इसकी कटिंग से दोनों से हो जाती है। ये देखिए इसके अंदर इस तरीके की फलियाँ बनती हैं और ये फलियाँ जब पक जाती हैं तब इसके अंदर से ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं। इसकी कटिंग से ही बहुत जल्दी प्रोपेगेशन हो जाती है और ये बहुत अच्छा प्लांट है गर्मियों का। और इसके फ्लावर बड़े बड़े लेने के लिए इसके अंदर आप काउडन कंपोस्ट का लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। काउडन कंपोस्ट को पानी में डालकर और उसे 3-4 दिन इसी तरीके से छोड़ दें, उसके बाद उसे छानकर और इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये एक ठंडी खाद है, इसे आप गर्मियों में किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं लेकिन यूज़ करने से पहले इसे नॉर्मल पानी में डाइल्यूट कर लें। इससे इसके फूलों में चमक आएगी और इसके फ्लावर भी बड़े बड़े होंगे और इसकी जो लीव्स झड़ जाती हैं वो भी नहीं झड़ेंगी। इसके अंदर अगर आप ज़्यादा वाटर दे देते हैं तो इसकी लीव्स पीली होकर गिर जाती हैं और अगर आप इसे कम वाटर देते हैं जब भी इसकी लीव्स पीली होकर गिर जाती हैं। और इसकी आप पिल्चिंग करते रहिए, पिल्चिंग से इसकी फ्लावरिंग बहुत हैवी होती है और ये एकदम प्लांट हमारा बुशी हो जाता है। अगर आपकी ज़्यादा बड़ी बड़ी स्टेम हो रही हैं तो आप उन्हें कट करके उसकी कटिंग्स लगा लीजिए और आपका प्लांट फिर से फ्रेश और हेल्दी दिखने लगेगा। इंसेक्ट तो लगते नहीं है, सिर्फ स्पाइडर माइट आ जाती है और इसके अंदर चींटियों का अटैक होता है बस। उसके लिए आप घरेलू उपाय कर सकते हैं, मिर्चें और लहसुन को कूटकर और उसे पानी में 1-2 दिन छोड़ दें, उसके बाद आप इसके ऊपर स्प्रे कर दें। उसकी वजह से भी ये बहुत जल्दी भाग जाती हैं चींटियाँ। या फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप नीम की पत्तियों को उबाल कर उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।